जी, बच्चों का स्कूल है, पढ़ाई लिखाई हो रही है, खुले आसमान के नीचे सजा भी मिली हुई है। बाप रे बाप, सजा भी मिली हुई है। मास्टर साहब उधर भी आए है, छोटे छोटे बच्चे, हाँ तो ऊपर है। अरे क्या गुनाह कर दिया इन्होंने गुरुजी? गुरुजी क्या गुनाह किया है इन्होंने? इनसे पूछा जा रहा था, ये बताने में अक्षम है। अक्षम है? आपसे कुछ पूछे गुरुजी? आपसे कुछ पूछे? नहीं, इनको जो सीख दी गई थी मालूम है? बोले ये अपराध है। कौन से क्लास में है ये? ये एलकेजी में। एलकेजी में? ज्यादा से ज्यादा इनकी उम्र मुझे लगती है पाजी 3 साल हैं? हैं? 3 साल ना, इससे ज्यादा नहीं, इससे ज्यादा नहीं पाजी, 3 साल से ज्यादा नहीं, 3 साल से ज्यादा नहीं, 3 साल से नहीं ज्यादा, इससे ज्यादा नहीं है, है ना? क्या नाम है तुम्हारा बेटा? हाँ? क्या नाम है, क्या नाम है, क्या नाम है, क्या नाम है? सुनैना नाम है ना? जाओ बैठो, जा तुम भी जा, तुम भी जा, तुम भी जा। तुम पढ़ा रहे थे ना? सर ये पढ़ा रहे थे, नहीं याद वही इसलिए बस। हाथ ऊपर कर दिए। 3 साल के, 4 साल के, 4 साल के बच्चे हाथ ऊपर। इधर कितने बच्चों के हाथ ऊपर थे जो यहाँ पर हाथ ऊपर किए तो इधर खड़े हो आके? किनके थे? कौन कौन हाथ ऊपर करके खड़े थे? हैं? कौन कौन हाथ ऊपर करके खड़े थे? तुम लोग ना, है ना? इनका अपराध क्या था? वो बोले थे मतलब छोटा हमें जो लिखने के लिए पाई मात्रा, वो नहीं इन लोग की याद था। पाई मात्रा? अरे जिंदगी की मात्राएं तो सब याद है ना, बच्चों को नहीं याद होगा। हाँ तो ऐसे ही तरीका है, यही तरीका है हाथ ऊपर करके। आपको अपना बचपन याद है ना? सर बच्चों को याद भी तो कुछ होना चाहिए। बच्चों को याद? आपको याद है? मैं पूछूं अभी, मंगोलिया की कैपिटल मालूम है? इनका गुनाह सिर्फ इतना था कि इन्हें वो सबक जो पढ़ाया जा रहा था वो याद नहीं था। पाजी आइए, अब आज आपको स्कूल के दर्शन कराते हैं। ऐसी व्यवस्था जैसी आप देखी नहीं होगी। कौन सा क्लास है बेटा ये? सिक्स। ये सिक्स है, बैठो सर। ये सिक्स है, एक हाथ बढ़ा लीजिए। और ये कौन सा क्लास आ गया? फोर आ गया। ये फोर है? फाइव। ये फाइव है? ये फाइव है? ये फोर है? ये फोर है? ये क्या है? ये फोर है और ये फाइव। ये फोर है, ये फाइव है, ये फोर है, ये फाइव है। इधर से कुर्सी से उठ के इधर बैठ जाओगे तो फाइव में हो जाओगे, और फाइव से उठ के इधर बैठ जाओगे तो फोर में हो जाओगे। और यहाँ क्या आ गया? फाइव। ये फाइव आ गया। और ये देखिए कौन सा आ गया? फोर आ गया। ये क्या आ गया? फाइव। और ये देखिए क्या आ गया? फोर। ये क्या आ गया? फाइव। आहा पाजी, अब इधर आ जाओ पाजी, इधर आ जाओ। पेड़ के 2 कदम इधर चलोगे तो रजिया जी, ये कौन सा क्लास आ गया? ये टू है और थ्री। ये टू आ गया, ये थ्री आ गया। टू कौन सा है? ये टू हो गया। ये कौन सा हो गया? ये टू। ये टू हो गया। और ये टू। ये टू है। और थ्री कौन सा? आगे पीछे। ये टू हो गया, ये टू हो गया। आगे वाला टू पढ़ रहा है और पीछे वाला थ्री पढ़ रहा है पाजी। क्या बात है पाजी, ये हिंदुस्तान की नहीं, ये उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था है। आगे वाला कहाँ पढ़ता है? और पीछे वाला क्या पढ़ता है? थ्री। पाजी रजिया जी से पूछेंगे, रजिया जी ये चमत्कार कैसे आप करती हैं कि आगे वाले को सेकंड में पढ़ाती हैं और पीछे वाले को थर्ड में पढ़ाती हैं। सर एक ही टीचर इसमें नहीं पढ़ाते ना, दोनों टीचर पढ़ाते। अच्छा तो एक इधर। पाजी तो ये और बड़ा चमत्कार, हिंदुस्तान में यही हो सकता और कहीं नहीं हो सकता, वो भी उत्तर प्रदेश में। अब यहाँ खड़े हो जाइए आप, तो जब आप बोलेंगे तो ये इधर टू वाला सुनेगा, और वो टीचर यहाँ जब आ जाएगी तो ये थ्री वाला सुनेगा। क्या बात है रजिया जी, कसम से। राजबहादुर जी कैसे ये चमत्कार हुआ, ये चमत्कार कैसे करते हैं? ये चमत्कार मतलब जो प्रबंधक हैं, मतलब सेटिंग किए हैं ज्वाइंट क्लास की। सेटिंग किए? हाँ। सेटिंग कहाँ किए हैं? सेटिंग मतलब कंबाइंड क्लास का, कंबाइंड एजुकेशन, कंबाइंड क्लासेस चलते हैं, सेकंड थर्ड फाइव सिक्स, ये कंबाइंड क्लास, कंबाइंड ये सेटिंग है। हाँ। गजब की सेटिंग है।
पढ़ा दिए हैं, कल लिखवा रहे हैं आज। तो कल पढ़ा दिया, आज लिखवा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं बाप, खत्म काम? हाँ, कहाँ कहाँ जा रही हैं? काम खत्म हो गया? आप टीचर हैं? मुझे तो लग ही नहीं रहा टीचर हैं आप। बाजी आ जाओ, क्या करना, मजबूरी हर जगह है। बाजी आइए, ये टीचर हैं। अरे कहाँ चले, वो तो चले गए उधर, अभी तो स्कूल ही नहीं खत्म हुआ। अरे हे, मुझे तो कहीं लग रहा है बहू हैं आसपास की और आ गई हैं। और पाजी वो दूसरा स्कूल है, वो जो उधर पेड़ पे दिख रहा है, हर चबूतरे पे जो बैठे हुए बच्चे दिख रहे हैं ना, ये उत्तर प्रदेश के स्कूलों का एक नज़ारा पाजी हमने दिखाया। क्या करें पाजी, आप बिना कैमरे से ढूंढ ही लेते हो। वो देखो, एक इधर कुछ बैठे हैं, कुछ उधर बैठे हैं, कुछ उधर। और पाजी कितना जबरदस्त है, क्या स्कूल है ये, कौन सा स्कूल है ये? उधर वाला क्या नाम है? हमको नहीं पता सर, उधर वाले पता ही नहीं है जी। नहीं। और इधर वाले पता है? हम दूर से हैं यहाँ के निवासी। हम बताए क्या है, यहाँ का नाम है सरदार पटेल स्कूल। और वो नाम बताए क्या है स्कूल का? उसका नाम है सुभाष चंद्र बोस गजब स्कूल है। गजब स्कूल है। अरे है, उप चल रहा उधर, एक दो तीन। पाजी क्या करें, ज्यादा मत देखो, चलो 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 चलो। हरिओम अपील कर रहे हैं। हरिओम कौन है? हम ही हैं सर। और आप ही अपील कर रहे हैं? जी, अपील कर रहा हूँ कि बराबरी बात होना चाहिए, बिरादरी बात नहीं बाबूजी। अगर नेता लोग अगर इस बिरादरी बात को खत्म करना चाहते हैं तो बराबरी बात का नारा देना पड़ेगा। बराबरी बात जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद का नारा बुलंद होना चाहिए इस भारत में, उत्तर प्रदेश में। हमें निर्दलीय उम्मीदवार, हम निर्दलीय उम्मीदवार हैं। तो महान जनता कार्यालय क्या मतलब? जनता ने हमको पैसा दिया है, अमेठी की जनता ने हमको पैसा दिया है और हमारा व्यक्तिगत पैसा इसमें नहीं लगा है। कितना पैसा मिल गया? 10,000 लोगों ने। कितना पैसा मिल गया? एक एक रुपए, दो दो रुपया। तो कितना हो गया? हो गया है लगभग 60,000 रुपया। 60,000 रुपया दे करके कार्यालय चुनाव फूक दो। 60,000 रुपया चुनाव में? ये मेरा पैसा नहीं है। तो जनता का पैसा कहाँ फूकोगे? जनता ने कहा है लड़ने के लिए, उन्हें सिंबल दिया है। मुझे जनता ने दिया है? जनता ने सिंबल दिया है। क्या है? अंगूठी निशान दिया है, है? अंगूठी निशान दिया है। कहाँ अंगूठी? अंगूठी निशान? जी हाँ, यही सड़क पर किनारे खड़े होकर बोल रहे, रैली के लोग जा रहे हैं, वो उधर से रैली के सब लोग जा रहे हैं। देखिए जो जा रहे हैं, उन्हीं को सुना के अपनी तरफ कर रहे हो? हाँ, मन से हमारे साथ हैं, तन से कहीं भी रहें। मन से हमारे साथ हैं, तन से वो कहीं भी रह सकते हैं। उन्होंने वादा किया है, वादा जरूर निभाएंगे। आप लोग सब दिमाग खराब किए हो ना इनके, है ना, भागे चले जा रहे हो। यहाँ आओ जरा पास में आओ, आप लोग दिमाग खराब किए हो सब इन नेता को। अरे पान क्या खाए हो तुम भैया, बताओ काहे इनका दिमाग खराब किया होगा? जिंदाबाद 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 नेताजी, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नेताजी काहे पैसा फूंक रहे हो 60,000? अरे रुको यार, काहे पैसा फूंक रहे? नहीं फूंक रहे सर। अरे जनता बड़ी मेहनत से एक एक दो दो रुपया दिए, काम में लगाओ। अमेठी की जनता जीतेगी, गायत्री को लाएंगे। गायत्री को लाएंगे? गायत्री को लाएंगे। समर्थक हैं, यहाँ आ गए, इनका भी हम स्वागत करते हैं। हम लोग पूर्ण बहुमत से अखिलेश सरकार को ला रहे हैं। ये कौन है? हम इनको नहीं जानते हैं, इनका घर दूसरी जगह है। देखिए साथियों, माइक कहाँ गया? माइक, माइक कहाँ गया? माइक लाओ, माइक लाओ, हाँ माइक लाओ। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या है यार, उनको देखा है? जिंदाबाद जिंदाबाद। ये तो हाथ नहीं तुम्हारे ऊपर, ये जो जनता है हंस रही तुम्हारे ऊपर। काम करिए, जनता को हंसना चाहिए। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। ओ तीर तोप तलवार न बरछी न बंदूक चलावेगा, ओ तीर तोप तलवार न बरछी न बंदूक
उसी में चाउमीन मिल रहा था, खाओ भाई चाउमीन है, कौन चीज है, चाउमीन है, चाउमीन है, चाउमीन चाउ चाउ चाउमीन चाउ चाउ हाँ चाउ चाउ। तो इसमें क्या क्या होता है? इसमें है गोभी है, बंद गोभी है, है ये है क्या, शिमला मिर्च है, प्याज है, चटनी है, रंगीन चटनी है, सफेद चटनी है, जहाँ जौन चटनी डलवाइए बढ़िया, जौन मन हो तौन चटनी डलवा लो है। अब बाजी अवध का क्षेत्र है, क्या बात, चाउमीन बना दियो, कौन कौन चीज डाले, धनिया मिर्चा हल्दी नहीं पड़ता, अच्छा नहीं चाउमीन है भाई, हम धोखा ना देना। हाँ क्या क्या, गरम मसाला है, गरम मसाला, सारे मसाले उसी में डाल दिए तो गरम मसाला हो गया और ये चाउमीन बन गया, कहाँ का अमेठी का चाउमीन। तो पंडित जी चाउमीन नहीं खाएंगे? नहीं। क्यों? दुकानों पर ही खाते हैं। फिर कहाँ खाते, घर? घर से अपना खा निकलते हैं, चाउमीन बनवा लेते हैं वहीं पे। अरे नहीं, दुकान पर नहीं खाते जाता, चाउमीन खाते ही नहीं है आप? जी चाउमीन नहीं खाते, सादा जीवन, उच्च विचार, चाउमीन उच्च विचार में नहीं है, नहीं विदेशी है, चीनी वाले हिंदुस्तानी में चाउमीन नहीं खाते हो? खाते हैं, चाइना चीज कोई चीज यूज ही नहीं करते हैं, चाइना की, हाँ चाइना कोई चीज यूज नहीं करते हैं। तो गरम मसाला डाल के बनाए हैं अभी, वो चाइना है, चाइना है बस। अरे भाई वो गरम मसाला डाल दिए तो हिंदुस्तानी हो गया? नहीं है, हिंदुस्तानी नहीं है ना रहेगा। अमेठी में आएगी मोदी सरकार, गर्मा जिंदाबाद, गर्मा से जिंदाबाद, यहाँ से ही आएगी, यहाँ से ही सर, हाथ ही आएगी, आएगी, कुएं गिर गई सर जी, कुएं गिर गई, यहाँ से गायत्री आएंगे अबकी बार, मोदी सरकार, मोदी सरकार, मोदी सरकार, हाथी हाथी आएगी, जन जन मोदी, मोदी सरकार जिंदाबाद। भाजपा की सख्त जरूरत है उत्तर प्रदेश को, भाजपा की सख्त जरूरत है उत्तर प्रदेश को, जन जन मोदी। और चाउमीन नहीं खाया? नहीं चाउमीन नहीं खाया। घर नहीं तोड़े, किला नहीं फोड़े, ना कोई रूप दिखावेगा, घर नहीं तोड़े, किला नहीं फोड़े, ना कोई रूप दिखावेगा। पाजी कहाँ गए, अरे दूर क्यों जाते हो भाई, पाजी अमेठी में आओ, आज रानी राजा दिखाते हैं, पाजी तुम इतनी दूर क्यों भागते हो, पास आओ ना मेरे, रानी यहाँ पे चुनाव लड़ रही है, पाजी अमेठी है ये, क्या बात है। तो रानियों को भी चुनाव लड़ना पड़ता है क्या, लगता है आपको ऐसा? ये लोकतंत्र है और उसमें लड़ना पड़ता है, और लोकतंत्र में जो है कोई राजा रानी नहीं है। क्या, लेकिन गठबंधन है हर जगह, वो मैं अभी कल वहाँ पे था झांसी में, वो कांग्रेस के लिए मांग रहे थे, मैं वहाँ ललितपुर में था कांग्रेस के लिए, लेकिन यहाँ पे वो कैसे? लेकिन आप कैसे मान के चल रहे हैं कि वो क्या करेंगे? अच्छा वो अंदर अंदर कुछ कर देंगे? नहीं, आपको कभी पता है क्या कि वो आपसे मिले थे कि क्या कहने वाले? उनसे इंटरव्यू किया, क्या कहे वो? इन्होंने कहा कि कांग्रेस को जिताना है, कांग्रेस के साथ है हम, कांग्रेस को दिखाना है, कह दिया जो कहने वाले। तो लेकिन यहाँ तो गायत्री प्रजापति भी लड़ रहे हैं, आप उनके लिए क्या करेंगे? वो लड़ रहे हैं तो लड़ रहे हैं, लेकिन यहाँ कांग्रेस, देखिए एक बात तो आप भी जानती है लोकतंत्र की, इतनी आप दुहाई दे रही है, कोई हारने के लिए तो लड़ता नहीं है, तो गायत्री जी जीतने के लिए तो लड़ रहे होंगे, हम भी जीतने के लिए लड़ रहे हैं। अजी ये खेल बड़ा जबरदस्त है, समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ पे कैंडिडेट कांग्रेस के भी लड़ रही है, अमिता जी कांग्रेस की हैं और गायत्री प्रजापति, अरे पाजी दूर मत जाओ पास आ जाओ, गायत्री प्रजापति मंत्री कद्दावर नेता, कई बार अंदर कई बार बाहर, अभी वो थोड़े दिन पहले बलात्कार का कहा, सुप्रीम कोर्ट ने मुकदमा होना चाहिए, तो ऐसे जबरदस्त लड़ाई में अमिता जी आप बताइए, ईमानदारी से बताइए, आप लोकतंत्र की दुहाई दे रही थी, जब समाजवादी पार्टी के वो मुख्यमंत्री हैं तो ऐसे में कैसे लड़ाई होगी, कैसी लड़ाई है ये बताइए। देखिए ये गठबंधन हुआ है और गठबंधन होते हैं बड़े मुद्दों को लेकर के, बाजी अब बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं, उन्होंने बिल्कुल साफ साफ मुद्दों की तरफ बात करना शुरू कर दिया, लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे दो रानियों की लड़ाई है, दो रानियों की लड़ाई है, ये आप कह रहे हैं, ये आप कह रहे हैं, यहाँ पर मैंने अभी आपको पहले कहा कि इस लोकतंत्र में कोई राजा और रानी नहीं है, तो जब भारतीय जनता पार्टी ने अपने को हारा माना तब उन्होंने यहाँ पर एक तमाशा खड़ा किया है, उनके पास दिग्गज नेता थे, उनके पास अतीत में पिछले 15-20 साल से जनता के बीच में काम करने वाले नेता थे, उनको सबको दरकिनार करके उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया। लोग तो कह रहे हैं कि आपकी लड़ाई समाजवादी पार्टी से है, बीजेपी से यही नहीं है यहाँ पे लड़ाई? ये आप बेहतर जानते हो, मैं तो समझती हूँ मेरी लड़ाई किसी से नहीं है क्योंकि जनता मेरे साथ है, कि आज का नौजवान जो जागरूक है, पढ़ा लिखा है, शिक्षित है और अपने भविष्य को मांग रहा है, वो आज नौटंकी की राजनीति नहीं पसंद कर रहा है। वाह पाजी क्या बात है जी, नौटंकी वाला नेता नहीं चाहिए, उनसे भी मिलेंगे पाजी। कहे कबीरिया मुल्क वीराना, कोई नहीं अपना, कहे कबीरिया मुल्क वीराना।
बात है, मैंने एक राज परिवार से मिलवाया था, आज मैं आपको दूसरा परिवार मिलाता हूँ। अमेठी में गजब की लड़ाई है, लोग कहते हैं रानियों के बीच की लड़ाई है। चलो पाजी पास हो, बार बार जनता की तरफ भाग जाते हो, आज राज परिवार देख रहे हो तो पास नहीं आते, पास आओ पाजी, अरे बिल्कुल बगल में आओ। जी हाँ, तो ये रानी साहिबा है और वो एक बिलाया मैंने आपको, तो ये बड़ी दिक्कत है कि मैं समझूं किसे रानी, वो भी कह रही हैं ये भी कह रहे हैं, तो कौन असल में रानी है? देखिए रानी का जमाना तो अब नहीं है, बहुत खूब, इसलिए रानी तो कहना गलत होगा, लेकिन हम एकमात्र और एकमात्र पत्नी हैं आपके अमेठी नरेश की। क्या बात है पाजी, और युवराज बगल में मेरे खड़े हैं और परिवार खड़ा है, उनकी बहनें खड़ी हैं, तो पाजी आज बहुत दूर जाने की बात नहीं है, पास आओ, क्योंकि पूरे उत्तर प्रदेश की नहीं पूरे हिंदुस्तान की नजर है। कहाँ पाजी? अमेठी में, और अमेठी में जो कुछ भी नतीजा निकलेगा लोग बड़े दिलचस्पी से देख रहे हैं, मुझे मालूम है पाजी, बाहर हटो, परे, बिल्कुल परे, और फिर मेरी तरफ आओ एक बार, आज बातचीत कुछ यूं ही अंदाज में होगी। लेकिन आप बार बार एक बात कहती हैं मेरे साथ, इंसाफ होना चाहिए, इंसाफ होना चाहिए। कौन सा 24 साल से नाइंसाफी हुई जिसकी आप इंसाफी की बात करती हैं? जनता समझ रही है जो न्याय उसको करना है, जो इंसाफ उसको करना है, इसलिए हम बहुत विस्तार में नहीं जाएंगे, और जनता को वोट करने दीजिए, वो बताएगी। आप आंचल फैलाती हैं, कहती हैं जनता के सामने जाती हैं, तब कहती हैं आंचल, जानते हो आंचल क्या होता है? हाँ आंचल, तो आंचल फैलाती हैं आप, कहती हैं कि मुझे 24 साल से इंतजार है, तो वही न्याय मुझे आज चाहिए। तो रानी को कौन सा न्याय चाहिए जिसके लिए वो जनता के पास जाती हैं? आप अपने बच्चों के पास भी मौजूद हैं, मैं जानना चाहता हूँ। मुझे मेरी कुटिया चाहिए, मेरा घर चाहिए, मेरा संसार चाहिए। आपकी माँ वोट मांग रही है 24 साल से, आप कहते हैं, मैंने ये भी सुना आप महल से निकाल दिए गए, आपकी पत्नी बाहर निकाल दी गई, आप लोग दर दर भटकते रहे, आप लोग न्याय मांगते रहे, आपकी बहनें भी यहाँ पे मौजूद है, मैं ये जानना चाहता हूँ वो वही अन्याय की लड़ाई के लिए आप राजनीति में आए, या वास्तव में कुछ और भी बात थी? नहीं देखिए, राजनीति में आने का तो कारण मूल रूप से यही था कि हम लोगों को अपने घर में रहने के लिए जो हक नहीं दिया जा रहा था महाराज द्वारा या महाराज की वजह से प्रशासन द्वारा, उसके लिए हम लोग ने राजनीति में पैर रखा। जनता बड़ी चुपचाप खड़ी, क्या बात बोलते? मैं जानना चाहता हूँ ये बात क्या है उनकी पैंतरे वाली, वो ये कहती है पढ़े लिखा लो आदमी चाहिए जो न्याय कर सके। अगर पढ़े लिखे का मतलब यही है कि दूसरे का घर उजाड़ दो, तो मैं अनपढ़ ही ठीक हूँ, और लड़ाई आपकी कांग्रेस प्रत्याशी की से है। क्या बात है पाजी, ये राज परिवार है। पापा जी अभी कहाँ, अभी तो उनके पास भी चलेंगे, कौन बड़े फेमस हो रहे हैं आजकल उन्हीं के बाद। मेरा पान बनारस वाला हल्का कत्था चूना, ए जी हल्का कत्था चूना, जिसने खाली एक गिलोरी छैला बन गए दूना, ए जी छैला बन गए दूना। पान जबरदस्त खाए तो, पान खाते गुरी, बहुत पान खाते, पान रखे थैली में, थैली रखे रखे ना, थैली रखा, थैली है वापस गुरी, पान खाते पहले का देखा, पान खाते गुरु जी, पान तो बिल्कुल ऐसे खाते जैसे बकरी खाती है, पान खाते, हाँ बकरी समझो गुरु जी, पनीर है, पान खाते पनीर से, पान खाते, पान की नशा बहुत गुड नशा है, जबरदस्त जबरदस्त है गुरु जी, बकरी की तरह, बकरी की तरह नहीं तो भैंस ना समझो गुरु जी, समझे भैंस ना, पर खाते पान खाते गुरु जी, बाप रे बाप, सब कुछ है हमारे पास, पांच सुपारी हर चीज है गुरु जी, खाने वाले निकल लो बाबू, सौंफ सुपारी खुशबू ठंडक काला पीला चूना, मोबा मांडवा मकई बनारस बांग्लादेशी पूना, लोगे कौन भूना बाबू, लोगे कौन भूना। आपके तो मंत्री बहुत फेमस हैं, फेमस हैं, फेमस ही होंगे, जीत रहे हैं, हाँ जीतेंगे, कौन जाते प्रजापति, अच्छा संजय सिंह जीतेंगे महाराज, डॉक्टर संजय सिंह, अमिता सिंह, अमिता सिंह जीते जी, कांग्रेस जी, कांग्रेस, अब यहाँ तो गठबंधन हो नहीं पा रहा, करो क्या दुबे जी, दुबे जी चले थे क्या बनने, छब्बे बनने, अब क्या हो गए, अरे क्या था भूल गए हम तो क्या करेंगे, यहाँ गठबंधन तो हो नहीं पा रहा, गठबंधन नहीं हो रहा, नेता तो जीत रहा है, कौन नेता नहीं जीत रहा, अमिता सिंह, यहाँ बीजेपी जीत दिया, जीत
जीतती है, बीजेपी जीतती है। हाँ भैया जय जनान सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ऐसा है सर, आपको टीवी में देखते हैं भैया कहीं, आप बहुत हमको अच्छे लग रहे हैं। अरे साहब शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मीठी तो ना आया था, होता तो बेकार। वहाँ देख के आपको लौट आए खाली आपको देखने के लिए। अरे है क्या बात है, नाराज होगा तुम? नाराज होगा तो ऐसा तने हो जैसे बिल्कुल एकदम चुनाव लड़े जा रहे हो। हम काहे चुनाव लड़ रहे? तो बताओ क्या बात, कौन सी चिंता, कौन चिंता खाए जा रही तुमका? अरे चार लोग लड़ रहे हैं, मैं एक चुन लो कौन हूँ तुम्हें, इतनी चिंता कौन बात है? कौन हमका चिंता है, अजय जी के सब अपने हैं। कौन चिंता है, तो बसपा लड़ रही और बीजेपी कांग्रेस समाजवादी करिया का ये बात। हम बीजेपी को देंगे, बीजेपी तय है। और साथ पसंद नहीं है? ना ही गरिमा सिंह कहा वहाँ महान हस्ती, यहाँ 25 साल के प्रतिज्ञा लगाए यहाँ, 25 साल का, 25 साल का प्रतिज्ञा लगाए हैं उनका। पूरा पूरा जो ना आपकी देखा था, पूरा अपन देश ला रहा था अमेठी के ऊपर, पूरा निगाह, पूरा देश विदेश की। 20 साल वनवास काट के आई है, नहीं आई यहाँ, पानी नहीं बहता, खून का आंसू बहता है। वो का सुना देखा था हमारा पूरा जय जयकार पूरे देश में देखा, पूरे अमेठी क्षेत्र में। सुन रहे हो कि ऐसे पाजी वहाँ खड़े कैमरा लिए दूर है हमसे, प्रतिज्ञा लगी है। हाँ प्रतिज्ञा लगी है, 25 साल को खून पानी नहीं गिरता, खून आ गिरता है, खून आग्रत। हाँ खून आग्रत है। तो क्या होगा गुरु जी? ये कह रहे हैं रानी गरिमा सिंह जीतेंगी। रानी गरिमा सिंह तो क्या क्या होगा बोलिए सर, क्या होगा? उम्मीदवार आते हैं उम्मीद लेकर के, उम्मीदवार आते हैं उम्मीद लेकर तो धोखा लग रहा है यार। पता नहीं रानी जीती हैं कि गायत्री जीती हैं कि भाजपा जीती हैं कि बसपा जीती हैं, कुछ समझ में नहीं आवत। असली अमेठी के हैं ये, पता नहीं चलने देंगे। भांति भांति के लोग लगाते तेरा नया पुराना। मेगा प्राइम टाइम में न्यू कदम कदम पर करेंगे दोनों अपनी अपनी मनमानी मनमानी। तेज जिसके हाथ में होगी लाठी, जिसके हाथ में होगी लाठी भैंस वही ले जाएगा। पाजी क्या बात है, जिनको लेकर कितना ढूंढ रहे थे पाजी मिल ही गए, गायत्री प्रजापति। बड़ी चर्चा में रहते हैं आप, कारण क्या? हर चीज में चर्चा में, चर्चा में, चर्चा में। लोग कह रहे हैं कि यहाँ प्रदेश में तीन ही लोग चर्चा में रहते हैं, सबसे ज्यादा शिवपाल रहे, उसके बाद अखिलेश रहे और तीसरे नंबर पर गायत्री। ये बताओ चर्चा में देश के प्रधानमंत्री गुजरात में नहीं रहे? पाजी क्या बात है, बिल्कुल अच्छा पलटवार करते हैं और मजा आता है फिर। वाह ये बताइए, लेकिन आपकी धारा तो बड़ी अजीबोगरीब फंस गई, और ये धारा कौन सी बता दी है? ये बताओ बलात्कार की धारा। अच्छा ये बताओ आपके ऊपर अगर लगा दिया जाए धारा, अरे ना, 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 ना। तुरंत जेल भेज दिया जाए, अरे बिना पूछे फांसी की सजा दे दीजिए। तो भेज दीजिए भाई, अगर किसी ने इस तरह आरोप लगा दे जो चाहे जिसके ऊपर स्वतंत्र लगाने के लिए, बिल्कुल ऐसा कैसे लगा देगा कोई? आप ये बता दीजिए लगाया नहीं कि जब गायत्री प्रजापति बरी हो जाए, क्लीन चिट मिल जाए, तो तब भी माफिया है? नहीं तो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, एक मिनट सुप्रीम कोर्ट नहीं कह रहा है। आप ये बताओ भू माफिया जो जब लोकायुक्त से जांच हो गई मेरी आय से अधिक संपत्ति, तो कहाँ से माफिया हो गई? जब क्लीन चिट मिल गई तो हम बरी हो गए कि क्लीन चिट मिलना बरी वो चलाना चाहिए बार बार? नहीं लोग कह रहे हैं खनन ऐसी कर रहे आपने कि कुल अब खनन सारी खाली कर दी आपने। ये बताओ जो मैं बता रहा हूँ जवाब दे रहा हूँ, आप हमसे सवाल कर जवाब कर रहे हैं, आप हमें ये साफ साफ दिखाइए, पूरे देश की जनता देख रही है। तो आप बोलिए ना। मैं तो कह रहा हूँ पूरे देश की जनता के सामने कि हमें क्लीन चिट मिली, अब हमारी जांच चलाएंगे, बिल्कुल चलाएंगे। जब हमारी जांच हो चुकी तो उस खबर को क्यों मीडिया के लोग बार बार? नहीं भाई, गायत्री प्रजापति जो बात कहे वो बात पूरी 100% वैसे ही जानी चाहिए, लेकिन सवाल जो मैं पूछू वो भी जाना चाहिए। अब हम ये कह रहे हैं कि भाई ये बताओ कि आप चढ़े कहने मंच पे फिर आज? अब भाई अंदर से भी तो कोई दबाव बना होगा ना, लगा होगा कि भाई कैसे चढ़ जाए भाई? नहीं मंच में नहीं चढ़ा था मैं, भाषण का अपना अखिलेश जी के साथ कहे ना, मैं जमीन पे दिया, मैंने तो भाषण दिया जनता के बीच। दबाव तो हो गए ना नैतिकता का, क्यों? आप ये बताए नैतिकता अगर इतना होता मेरे मुख्यमंत्री, इतनी मोटी खाल थोड़ी ना हो जाएगी। नहीं मुख्यमंत्री जी को हमारे जो न्याय किया हो
हम आपे की बात सुनेंगे, हम तो आपे के प्रदेश में खड़े हैं भाई। मंत्री आप, मुख्यमंत्री आपके, सरकार आपकी, सुप्रीम कोर्ट ने कही तो गुरु जी, सुप्रीम कोर्ट ना होती तो ये भी ना होता। आप लोग नहीं थे, हम लोग तो थे, तब थे 6 महीना पहले, तो वही ऑब्जर्वेशन के हिसाब से 6 महीना नहीं, 6 महीना पहले आप कहाँ थे जब समाचार पत्र, हम तो तब भी पूछे थे हाई कोर्ट में जब ऑब्जर्वेशन आया था कि गायत्री जी जवाब दीजिए, खनन तारे खाल गए, खाली हो गए, हमने तब भी पूछा था। उसके पहले नहीं थे, उसके पहले ना खनन मंत्री थे, ना उसके पहले मंत्री कोई था। अब लोग ये कह रहे हैं कि भाई ये बताइए कि बीपीएल थे और इतना हो गया। अच्छा ये पूछ लो कि जो लोग कह रहे हैं कि कोई मंत्र हमको बताओ, हम भी सीखे। मेरी बात तो सुनोगे, हम भी तो हैं, मेरी बात तो सुनोगे, ये उन लोगों से सवाल कर लीजिए, उसकी जाँच तो हो गई, बीपीएल वाली भी हो गई, तो क्लीन चिट मिल गई, तो फिर क्यों पूछ, फिर क्यों सवाल पूछते हो बार बार। है? एक बार जब हो गया निपटारा तो बार बार वही सवाल लेके आते, तुम भी बहुत ऊंचे कलाकार आदमी हो। अरे भाई बीपीएल थे, जब थे तब थे, अब नहीं है, नहीं हाँ, अभी भी है बीपीएल। गलत बात कह रहे हो, अब है, थे नहीं, मैं अभी नहीं है बीपीएल, कभी नहीं था, कभी नहीं थे बीपीएल। हम कह रहे अमिताभ सिंह और गरिमा सिंह, आप ये दंगा कराए, दंगा नहीं करा, झगड़ा उनका और मारा गया निर्दोष सिपाही और मारी गई जनता। अगर जनता मारी गई तो आखिर किसका बंटवारा भाई, घर का झगड़ा तो नहीं शांत कर पा रहे। कांग्रेस का गठबंधन है आपसे, हम ये कह रहे हैं गठबंधन, तो मैं कहाँ कह रहा हूँ नहीं है, तो आप कह रहे हो दंगा हो कराया। हम कह रहे हैं कि इन्हीं दो भाजपा के लोगों ने दंगा कराया। अरे भाई अमिताभ जी का नाम लिया ना, अमिताभ जी का, सिंह के परिवार के दोनों हैं, उन्हीं दोनों को जस्ट दंगा हुआ, तो अब भाई कांग्रेस की है ना वो, कांग्रेस, इसीलिए तो माननीय मुख्यमंत्री ने टिकट नहीं, यहाँ गठबंधन अमेठी में नहीं किया, तभी हमको टिकट दिया। आपके मन में रह गया कुछ? नहीं ना, मेरे मन में ना, आपके धन्यवाद। आपा जी क्या बात है, आज के हमको जोत कहाँ तू, हे कहा बलम सैलानी, रानी झंखाई के कर परिवन बैडरिया, गुदरिया गल में डाले भरथरी, आ कहाँ भरथरे सुना है रानी, माया जिन बसव राजपाट सब लैके अपना, हे बैठी मौज उड़ावा, विधना लिखे करम में नार खो बसवरिया, गुदरिया गल में डाले भरथरी। लेकिन राजा एक न माने, माया मोह बिसोरी, रानी हमें न चाही कोठी महल अटरिया, गुदरिया गल में डाले भरथरी। लेकिन राजा एक न माने, माया मोह बिसोरी। आपा जी विकास का भैया तेज घूम रहा, ये नवयुवक है तो सबने फैसला किया कि कोई वोट नहीं डालेगा, भाई सुनाई नहीं पड़ा उनको, वहाँ तक नहीं डालेंगे बाजी, वहाँ तक आवाज ही नहीं गई, नहीं डालेंगे। तो भाई वोट डाल नहीं डालेंगे ये तो अच्छी बात नहीं, वोट तो डालना पड़ेगा, वोट पड़ेगा ही नहीं, वोट नहीं पड़ेगा, हालत में वोट नहीं पड़ेगा, यहाँ पे वोट नहीं तो वोट नहीं, बाजी रोड नहीं तो वोट नहीं। भाई देखो ऐसा करो कि ऐसा कुछ करो कि वोट डाल लो और ये तय करवा लो कि भाई रोड बनाओगे, ऐसा कुछ कर लो, जब तक हमारा वोट नहीं पड़ेगा, तब तक रोड नहीं पड़ेगा। 25 साल हो गया ऐसा करते हुए, रोड नहीं तो वोट नहीं, वोट लेने के बाद तो कोई आता ही नहीं, यहाँ सकल नहीं दिखाने आता। बाजी बात विश्वास की है, क्रेडिबिलिटी की, क्रेडिबिलिटी की, कैसे विश्वास करें, विश्वास कैसे करें पाजी, विश्वास होगा, विश्वास तो है ही नहीं ना, किसी का नहीं है, किसी के विश्वास तो है ही नहीं ना, वोट खा ले ही हैं, तो गरीब आदमी हमसे सब कर देंगे, कई बार नाली है नाप के, वोट खा ले हैं, उसके बाद कुछ नहीं है, कोई यहाँ सकल हजम कर ले हैं, हजम, रानी भी आई है, रानी बोली हम बनवा देंगे, कभी आई नहीं सकल दिखाने यहाँ तक, सिटी विधायक सब ऐसे ही आता, सिटी विधायक आपका होता है, यहाँ पे आते हैं उधर से बाइक आती होती है, इधर से अगर कोई बड़ी गाड़ी हो जाता, बड़ी गाड़ी अगर उधर से आ रही हो तो उसके पास जाते ही चोट लग जाती है। अच्छा वोट कहाँ हो रहा है काम तुम्हारे, वोट पड़ी कि नहीं, रोड नहीं तो वोट नहीं।
कुएं भांग पड़ी है पूरी। अरे तो ऐसा क्या कर दिया भाई, वोट नहीं पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा, वोट नहीं पड़ेगा। हमारे यहाँ शौचालय का व्यवस्था नहीं है। आप लोग बोलते हैं मोदी अरे कि बाहर मत जाओ, तो हम लोग जाएं कहाँ? हमारे लोग के बच्चे पढ़े लिखे हैं, वो भी नहीं कुछ व्यवस्था हो रही है बच्चे का भी। तो वोट देंगे नहीं? वोट नहीं देंगे, नहीं देंगे, नहीं देंगे। जब तक शौचालय नाली का व्यवस्था पानी का निकासी सब नहीं होगा तब तक। आपकी तो ज्यादा अम्मा फांस दियो तुम। हाँ बिल्कुल फांस देंगे। हाँ फांस दियो किसे? हाँ फांस। अरे ऐसा ना करो, कहाँ चले गए पाजी? पूरा गांव फैसला किए वोट नहीं देंगे। बिना रोड बने वोट नहीं पड़ेंगे। अच्छा हाँ तय कर लियो। हाँ तय कर लियो। क्या तय कियो? कि रोड बनेगा तो वोट पड़ेगा, नहीं तो नहीं पड़ेगा। नहीं पड़ेगा जी, बड़ा समस्या है विकट। फिर ओकरे बाद यहाँ का तो आप नहीं दोगे कुछ वोट? वोट कोई नहीं देगा, एक बच्चा भी नहीं देगा। घर के शौचालय बनना चाहिए, पानी का निकास होना चाहिए, तब वोट पड़ेगा। ना पंचायत घर है, ना कोई बारात घर, कुछ भी नहीं है इस गांव में। जो आता है बाहर का वही गाली दे के जाता है। कैसा गाँव है, यहाँ के कैसे लोग हैं? विधवा है, आदमी नहीं है, पेंशन। अरे ये तो अमेठी के गांव है, अमेठी तो मार डंका बज रहा, वो दिल्ली भर में जाने देश भर में डंका बज रहा। पहले रोड बनाओ, ओढ़ लो, सही है, इतना काम है पूरा करो, पब्लिक का पूरा करो। पब्लिक ताली बजाती है, पब्लिक ताली बजाती है।